विज्ञान विषय में ध्वनि वाला पाठ अध्याय 12 उसका अध्ययन करेंगे। ध्वनि से आप सब बहुत परिचित हैं और इस हमारे कान ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों तक सुनने की संवेदना क्या करती है, उत्पन्न करती है। अब ध्वनि का उत्पादन हम करते से आप स्कूल की घंटी रोज सुनते हैं, हमारी जो मुंह से आवाज निकल रही है वो भी ध्वनि है। मान लो हम एक सौरित्र लेते हैं, ये मान लो एक सौरित्र है विभुज, इससे हम किसी भी चीज में टकराकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सौरित्र द्विभुज हैं, ये किसी से भी टकराएंगे, जैसे आप घंटे से टकरा सकते हो, इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और ये ध्वनि ऊर्जा हमारे माध्यम से होती है, ध्वनि का जो संचरण है उसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या है? माध्यम हवा भी हो सकता है, पानी, और जैसे धातुएं लोहा भी हो सकता है। हमें लोहा में भी ध्वनि सुनाई देती है। अधिकतर ध्वनि का जो संचरण है वो अधिकतर है हवा, हमारे चारों ओर हवा पाई जाती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की क्या होगी, आवश्यकता होती है। ध्वनि में जो तरंगे, एक-एक प्रकार की विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ मतलब हलचल, विक्षोभ मतलब हलचल। तो ये हलचल, ये जो विक्षोभ है, यही तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, विक्षोभ मतलब हलचल, और उससे क्या होंगी, तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब ये जो तरंगे हैं, ये जैसे देखिए ये सौरित्र है, इसको हम थोड़ा सा हिला रहे हैं तो ये कंपायमान हो गया। क्या हो गया? कंपाय। तो ये ध्वनि तरंगे हैं, आप देखिए ये ध्वनि तरंगे हैं। तो इसमें इसके जो माध्यम के जो कण हैं वो वहां पर घनत्व और दाब, देखिए पास आ जाते हैं, कभी माध्यम के कण दूर चले जाते हैं। और ये हवा है, जो यहाँ पर कौन सा माध्यम है, हमारे चारों ओर हवा, ये देखिए पास आ जाते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं, फिर ये, तो इनका ये जो पास आ जाते हैं तो हम इनको बोल सकते हैं संपीड़न, क्या बोलते हैं। और ये जो दूर चले जाते हैं, इसको यहाँ पर ये देखिए पास आ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, विरलन। तो इस प्रकार ये देखिए संपीड़न, और संपीड़न को हम सी से प्रदर्शित करेंगे और विरलन को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। ये सी आर क्रमशः बनते हैं एक के बाद, एक बार संपीड़न बनेगा, एक बार विरलन बनेगा, एक बार संपीड़न बनेगा, एक बार विरलन बनेगा। तो ये हमने ये बताया ध्वनि, ये कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि जो हमें अभी सुनाई दे रही है, ये ध्वनि ऊर्जा है। अभी हमने पूर्व में बताया कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रयोग, उससे सिद्ध हो जाएगा कि ध्वनि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। एक हम ये बेलजार लेते हैं, ये बेलजार है, कांच का एक बेलजार है, इसमें हमने एक कॉर्क की सहायता से एक विद्युत घंटी को लगा दिया है, विद्युत घंटी आप समझते हो, और इसका कनेक्शन विद्युत धारा से कर दिया, करंट से कर दिया। इसके अंदर अभी क्या भरी हुई है, शुरू में क्या भरी हुई रहती है, हवा, शुरू में आरंभ में, लेकिन यहाँ पर हम एक निर्वात पंप लगा देते हैं। तो
तो हम देखते हैं जब विद्युत धारा यहाँ करंट आता है तो यहाँ पर ये घंटी हमको सुनाई देती है। लेकिन यदि हम बाद में निर्वात पंप से इसके अंदर की हवा क्या कर दें, निकाल दें, क्या कर दें, हवा को हम निकाल दें, तो हम देखते हैं कि हमें ये जो विद्युत घंटी है इसकी आवाज क्रमशः धीरे धीरे कम सुनाई देती है। जब पूरी हवा निकल जाती है तो हमको इसकी घंटी सुनाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर की हवा नहीं है, माध्यम होना चाहिए और माध्यम में हवा ना होने के कारण, हवा ना होने के कारण हमको घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे तरंगों के प्रकार। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और एक प्रकार होता है अनुप्रस्थ तरंगें। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो जो ध्वनि तरंगे हैं, इसका एक उदाहरण है, जो ध्वनि तरंगे हैं वो वास्तव में कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीडन और विलयन बनते हैं और इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो उसी दिशा में जाते हैं, उसी दिशा में जिस दिशा में तरंग चलती है। देखिए यहाँ पर संपीड़न और विरलन, ये देखिए यह है संपीड़न, ये क्या है विरलन, और फिर से ये क्या हो गया संपीड़न, और इस प्रकार ये विरलन और ये संपीड़न बनते हैं। तो इसमें माध्यम के जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही क्या करते हैं, गति करते हैं, तरंग की दिशा में जाते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में जैसे देखना आप कभी जल में उठी हुई तरंगें, इसका एक उदाहरण है, तरंगें आप कभी जल में पत्थर फेंकिए तो आप देखेंगे कि जल में इस प्रकार की ये तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तरंग मान लो यहाँ से गति करती है तो इस प्रकार ये यहाँ पर जाती है उच्च, और फिर एक निश्चित समय के बाद यहाँ पर आती है और फिर से पुनः यहाँ पर आती है। तो ये दूरी ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो ये तरंग यहाँ से चल रही है और वापस नीचे आ रही है और ऊपर आ रही है, तो ये दोलन करती है, क्या करती है, दोलन, ये कहलाता है पूर्ण दोलन, अपने स्थान पर आना। यहाँ पर ही एक पूर्ण दोलन, यहाँ पर भी देखिए एक पूर्ण दोलन हो रहा है, एक संपीड़न बनेगा और एक क्या बन जाएगा, ये विरलन, पूरा एक संपीड़न और एक विरलन, ये पूर्ण हो गया, दोलन कहलाता है। यहाँ पर भी एक पूरा श्रृंग बना और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गर्त, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, श्रृंग। जब एक श्रृंग बने और एक गर्त बने तो हम उसको एक पूर्ण दोलन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण हैं वो दिशा के, दिशा तो ये है तरंग बने की, उसके लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत समझ रहे हो ना, ऐसा ऊपर
और नीचे, ये माध्यम के कण लंबवत दोलन करते हैं। तो ये तरंगें दो प्रकार की हो गई, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और जो जल में उठी हुई, आप या कभी एक रस्सी को बांधो और रस्सी को हिलाओ तो इसी प्रकार लहर बनती है। तो ये तरंगे कौन सी हुई? अनुप्रस्थ तरंगे हुई। अब हम पढ़ेंगे तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तरंग के अभिलक्षण। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें परिभाषा आती है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? हमने आपको अभी बताया, चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ हो। अनुप्रस्थ में देखिए, एक श्रृंग और एक गर्त बनता है। एक श्रृंग, दो श्रृंग बन गए, इनके बीच की दूरी ले लीजिए आप, या दो गर्त के बीच की दूरी ले लीजिए, तो एक दोलन पूरा हो गया। ये यहां से पूरा एक दोलन हो गया। तो एक दोलन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम एक अक्षर है इंग्लिश का, लैम्डा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार की दूरी है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? तो आप फिर से समझिए कि एक दोलन में तरंग द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है, एक दोलन, समझ गए ना? ये अनुप्रस्थ तरंगों में एक श्रृंग बना और एक ये गर्त बना और एक श्रृंग। तो ये श्रृंग से पूरा यहाँ तक एक दोलन कहलाता है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। फिर दूसरी परिभाषा है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दोलन करती है तो 1 सेकंड में, जैसे आप देखिए यह है, ये मान लो हमने समय लिया 1 सेकंड। कितना समय लिया? 1 सेकंड में। अनुप्रस्थ तरंगों में जितने दोलन होंगे 1 सेकंड में, मान लो यहाँ पर ये देखिए पूरा एक श्रृंग, दो श्रृंग बन गए। तो जितने दोलन पूर्ण होते हैं उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और इसे हम न्यू, ग्रीक अक्षर है न्यू, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये इसको न्यू बोलते हैं। इसे ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 सेकंड में तो आवृत्ति क्या होगा? 1 सेकंड में हम जितने भी कंपन पूरा करेंगे, आवृत्ति बराबर कंपन, या इसको हम लिख सकते हैं दोलन, दोलन भी लिख सकते हैं, दोलन और समय। समय यहाँ पर कितना लिखा हमने? 1 सेकंड। ये तो, और जो आवृत्ति का मात्रक है वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्हीं के नाम पर आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज कहा जाता है। ये बहुत आईएमपी और हमेशा पूछा जाता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो एक कण द्वारा 1 सेकंड में, समय देखिए 1 सेकंड में जितने भी पूर्ण दोलन होते हैं उस संख्या को क्या बोलेंगे? आवृत्ति। इसे हम न्यू अक्षर, ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो शब्द आएगा ध्वनि से संबंधित, आवर्त काल। आवर्त काल एक प्रकार का तो तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगेगा उसको हम आवर्त काल कहेंगे। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक है आवर्त काल का वो है सेकंड। अगली परिभाषा है आयाम। जब कोई भी माध्यम में कण कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, तो वो एक निश्चित दूरी तक क्या करते हैं? गमन करते हैं, उसके बाद पुनः अपनी अवस्था में आते हैं, फिर दूसरी दिशा में गमन करते
करते हैं। तो अपनी मूल स्थिति की ओर जितना अधिक से अधिक उसका विस्थापन हुआ है, उसको हम तरंग का क्या बोलेंगे, आयाम। आप देखिए, मान लो एक हमने धागा बांधा है यहाँ, इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे तो ये धागा क्या होगा, अपनी यहाँ से यहाँ गति करेगा। तो उसने इतनी दूरी तय की ये, और कुछ समय पश्चात वो इस दिशा में गमन करेगा। आपने झूला देखा इस प्रकार, ये तो ये जितना ये दूरी तय कर रहा है, ये उसका क्या कहलाएगा, आयाम। ये ए, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ऐसे दर्शाएंगे, और ये भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है, तो इसका भी मात्रक मीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया आवर्त काल और आयाम। अब हम पढ़ेंगे तरंग वेग। वेग वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि 1 सेकेंड में तरंग द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, तरंग वेग। इसका हम सूत्र लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं इसको, और चाल भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड में जितनी दूरी क्या की गई है, तय, और समय, समय मान लो हमने यहाँ ले लिया 1 सेकेंड। तो यहाँ पर तरंग वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कहलाता है तरंग वेग। अब ध्वनि का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में हम संबंध, वेग को हम प्रदर्शित करते हैं वीक से, और आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू से, और तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो जो तीनों में संबंध है वो है वी बराबर न्यू और गुणित लैम्डा। ये तीनों में क्या है, संबंध है। तो तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। ये प्रश्न भी आता है कि तीनों में क्या संबंध है। अभी हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग इसमें श्रंग और गर्त बनते हैं, और इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो दिशा के क्या होते हैं, लंबवत। क्या होते हैं, लंबवत करते हैं, और इसमें श्रंग, ये श्रंग और ये गर्त बनते हैं। ये जो तरंगे हैं अनुप्रस्थ, ये जो ठोस द्रव और गैस है उनकी ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं, और जब ये तरंगे संचरित होती हैं तो उस समय दाब और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, माध्यम के जो कण हैं वो इसी दिशा में क्या करते हैं, दोलन करते हैं, और इसमें संपीड़न, ये आप देखिए संपीड़न और विरलन बनते हैं, और ये ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकती हैं। और इनके जब संचरित होती है तो इनके दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ दाब अधिक है, यहाँ दाब कम है,
इस प्रकार ये दोनों में क्या हो गया अंतर, आप यहाँ पर इनका चित्र भी बना सकते हैं। आप देखिए इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तरंग वेग, ये तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, ये भी आपको बतलाना है। धन्यवाद बच्चों।